Greetings dear parents and students. Today we will be reading chapter number 5 which is about subtraction. Subtract कैसे करते हैं वो सीखेंगे आज हम. तो let's get started. Page number 68 पे पहले हम देखेंगे new words. So new words में पहला है one less. One less का मतलब क्या होता है? एक कम. जैसे मैं आपको कहूँ what is one less than 5? 5 से one less कितना होगा? तो 5 से एक minus कर दो या 5 से एक पहले counting में बताओ. 5 से पहले counting में क्या आता है? 4. तो 5 से 1 लेस क्या है? 4 है. तो 1 लेस मतलब एक कम. माइनस, माइनस घटा करना, जो अभी हमने बताया सब्ट्रैक्ट करने का सिंबल होता है माइनस. जैसे 1 प्लस 1 होता है 2, वैसे ही 2 माइनस 1 होता है 1. दो में से एक कम कर देना. तो एक कम करने के साइन को क्या कहते हैं? माइनस. क्रॉसिंग आउट मतलब काट देना, जैसे इनको काटने का निशान लगाया है ना ये. उसके बाद है आपका टेक अवे. टेक अवे मतलब ले लेना. डिफरेंस मतलब अंतर. तो चलो हम समझते हैं सब्ट्रैक्शन क्या होता है. सब्ट्रैक्ट बाय क्रॉसिंग आउट एक मेथड है सब्ट्रैक्ट करना सीखने का. क्रॉसिंग आउट, क्रॉसिंग आउट कैसे करते हैं? मान लीजिए यहाँ मेरे पास 6 बलून है. 6 में से 2 बलून कोई और ले लेता है या गिर जाते हैं मेरे से. तो 2 बलून नीचे गिर गए, अब मेरे पास कितने बचे? 1 2 3 4. नाउ आई हैव गॉट 4 बलून्स. अंकिता हैड 6 बलून्स, शी लॉस्ट 2 ऑफ देम, सो क्रॉस आउट द 2 बलून्स, काउंट द रिमेनिंग बलून्स, देर आर 4 बलून्स. तो पहले 1 2 3 4 5 6 बलून थे, अगर उनमें से 2 बलून गिर गए तो कितने बचे वो कैलकुलेट कैसे करेंगे? हमने 2 जो गिर गए ना उनको ऐसे ना निशान लगा दिया, तो अब इनको काउंट नहीं करना, जो बाकी बचे उनको काउंट कर लेंगे. 1 2 3 4. तो इसका मतलब क्या हो गया? 6 में से जब 2 हमने रिमूव कर दिए, हटा दिए, तो कितने बचे? 4 बचा. तो ऐसे हम सब्ट्रैक्ट करना सीख सकते हैं. अनदर एग्जांपल इज अमन के पास 7 एप्पल हैं, उसने 7 में से 3 एप्पल खा लिए. तो पहले 1 2 3 4 5 6 7 7 एप्पल्स थे, उनमें से 3 एप्पल खा लिए तो उनके ऊपर हमने मार्क लगा दिया, ठीक है, क्रॉस आउट कर दिया उसको. अब क्रॉस आउट करने के बाद जो बचे हैं उनको गिनो. 1 2 3 4. तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? 7 में से 3 अगर हमने हटा दिए तो 4 बचे. ओके, अब इसी बेसिस पे आपको प्रैक्टिस ऑन है. 9 कैंडल्स में से 3 बुझा दी गई हैं, तो आपके कितनी कैंडल अभी भी जल रही हैं कैसे निकालेंगे? इन 3 को बुझी हुई को क्रॉस आउट कर दो. अब बाकी को गिनो जिनमें अभी भी कैंडल जल रही है. 1 2 3 4 5 6. आंसर आ गया 6. अब है टेक अवे. टेक अवे का मतलब क्या है? हटा देना. शेली हैड 5 केक्स, अमन टुक अवे 1 केक. शेली इज़ लेफ्ट विद, पहले शेली के पास 5 केक थे, उनमें से अमन एक ले गया, अब कितने बचे? द सिंबल ऑफ सब्ट्रैक्शन इज माइनस, वी रीड इट एज माइनस. द आंसर दैट वी गेट आफ्टर वी सब्ट्रैक्ट इज कॉल्ड द डिफरेंस. तो 5 में से एक को हटा दिया, तो इसको अगर मैंने केक को हटा दिया, इसको छुपा दो, तो अब कितने बचे? 1 2 3 4. तो वो आंसर हो गया 4. अब ऐसे ही देखो, यहाँ एक और एग्जांपल है. 6 बॉल्स हैं, 6 में से 2 बॉल अगर हमने हटा दी तो कितने बच जाएंगे? ये 2 बॉल हटा दो तो 4. दैट इज़ द आंसर. तो ऐसे ही आपका प्रैक्टिस जोन 2 है. प्रैक्टिस जोन 2 में क्या बोला है? 4 आइसक्रीम में से 2 आइसक्रीम अगर हटा देंगे तो आप क्या करोगे? यहाँ पे कितने आइसक्रीम आपके पास बचेंगे? 4 में से 2 हटा दोगे तो 2 बचेंगे. हमने क्या करना है? 2 को छुपा लेना है, बाकी बचे हुए को दोबारा छाप के दिखाया हमने. 9 में से 3 हटा देंगे, तो इन 9 में से हमने ये बाजू वाले 3 हटा दिया, तो यहाँ कितनी टॉफी बचेंगी? 6 टॉफी बचेंगी, ठीक है. हमने इनको कवर करना है ना, ये आपने हटा दी, तो अब कितनी बची इनको गिनो. 1 2 3 4 5 6. ऐसे ही 7 बॉटल्स कोल्ड ड्रिंक थे, उनमें से 4 हटा दिए तो 3 बच जाएंगे. ये आप कैसे सीखते हैं? इनमें से 7 में से आप 3 हटा दो, यहाँ से छुपा दो, ऐसे 3 छुपा दिए. अब ऊपर जो बच गए हैं ना उनको गिनो, तो 4 बच गए, ठीक है. अब वैसे ही है सब्ट्रैक्शन यूजिंग नंबर लाइन. नंबर लाइन में हमने ऐड करना भी सीखा था. ऐड कैसे करते हैं? मान लीजिए 2 + 3 करना है, तो 2 से 3 स्टेप्स आगे चलते हैं तो 5 आ जाता है. सब्ट्रैक्ट करना इसका उल्टा है. जैसे कि मान लीजिए आपको 5 - 2 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 5 से शुरू करेंगे और 2 स्टेप पीछे चलेंगे, पीछे, तो जहाँ पहुँच जाओगे ये आपका आंसर है. तो 5 से चले थे हम, कहाँ पहुँच गए? 3 पे, तो 5 - 2 3 आ जाएगा. तो ये होता है नंबर लाइन को यूज़ करके.
तो नंबर लाइन को यूज़ करके आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस ऑन थ्री पे, 6 माइनस 2। तो कैसे करेंगे, 6 से शुरू करेंगे और दो स्टेप पीछे आएंगे, एक स्टेप पे 5 पे आ गए, एक और स्टेप जंप करेंगे 4 पे आ गए, तो आपका 6 माइनस 2 आंसर क्या आ गया, 4। 5 माइनस 4, 5 से शुरू करेंगे और पीछे जंप करेंगे, 1 जंप 2 जंप 3 जंप 4 जंप, कहाँ पहुँच गए हम, 1 पे, तो 5 माइनस 4 आंसर 1। ऐसे ही 8 माइनस 4 का कर लोगे आप, 4 आंसर आएगा। उसके बाद है कॉलम सब्ट्रैक्शन। कॉलम सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, अब आपको 6 माइनस 4 दिया है तो आप क्या करोगे, स्ट्राइकिंग मेथड से ही, हम क्रॉस आउट मेथड से यूज़ कर रहे हैं, 6 के लिए 6 लाइन बना दो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 लाइन बना दिया, इनमें से 4 को अब क्रॉस आउट कर दो, 1 2 3 4, कितनी बच गई, उनको गिनो, 1 2, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इसके बेसिस पे आपको प्रैक्टिस ऑन दिया है 7 माइनस 1, तो पहले 7 लाइंस बनाओ, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, और उनमें से जितनी माइनस करनी है उसको स्ट्राइक कर दो। अब जो नॉन स्ट्राइक हैं, जो बची हुई हैं, इनको गिनो, ये कितनी बच गई, 6। तो ऐसे करके आपका प्रैक्टिस ऑन 4 हो जाएगा। उसके बाद सब्ट्रैक्शन बाय काउंटिंग बैकवर्ड्स है। काउंटिंग बैकवर्ड्स में क्या है, जैसे मान लीजिए 5 माइनस 3 करना है तो 5 से उल्टी गिनती शुरू करो, 5 के बाद 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, और कितने प्लेसेस तक करनी है, जितने इसमें बोला है, माइनस जितना करना है, 3 माइनस 3 करना है तो 3 पहले से ही नीचे ब्लैंक लगा लो, उतनी ही उल्टी गिनती करनी है। अब एग्जांपल देखो, आपका सॉल्यूशन 5 माइनस 4, तो 5 से उल्टी गिनती करेंगे कितनी, 4 प्लेसेस तक, 4 प्लेसेस तक क्यों की है, क्योंकि 4 माइनस करना है, तो हमने 4 प्लेसेस लगा लिए। अब 4 प्लेसेस उल्टी गिनती करो, 5 से पहले आता है 4, 4 से पहले 3, 3 से पहले 2, 2 से पहले 1, आंसर आ गया 1। ऐसे करके आपको ये एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। इसका डी पार्ट देखो, 7 माइनस 5, तो 7 के बाद हमें 5 प्लेसेस उल्टी गिनती करनी है, ठीक है, तो 7 के बाद 6 आएगा, इससे पहले 6 से पहले 5, 5 से पहले 4, 4 से पहले 3, 3 से पहले 2, आंसर आ गया 2। ओके, अब सब्ट्रैक्शन फैक्ट्स हैं कि किसी भी चीज़ में से एक कम कर दोगे तो उससे पहले वाला नंबर आ जाएगा, यानी 10 में से एक कम करोगे तो 10 से पहले वाला नंबर क्या होता है, 9, 9 में 7 कम करोगे तो 9 से पहले वाला नंबर क्या होता है, 8, तो उससे पहले वाला नंबर आ जाएगा। किसी भी चीज़ में से 0 सब्ट्रैक्ट करोगे तो उतना ही नंबर वापस मिलेगा, 3 माइनस 0 3, 2 माइनस 0 2। इसके बेसिस पे आपका प्रैक्टिस ऑन 6 है, 6 माइनस 1 5, 7 माइनस 0 7, 2 माइनस 2 0, 6 माइनस 0 6, 1 माइनस 1 0। किसी चीज़ में से खुद को घटाओगे तो 0 बचेगा, यानी 20 माइनस 20 भी 0 ही आएगा, 8 माइनस 0 8, 9 माइनस 9 0, 5 माइनस 5 0, 8 माइनस 1 7, 3 माइनस 0 3। सो आई होप आपको सब्ट्रैक्ट करना अब आ गया होगा। इसके बेसिस पे आपका ये जो चैप्टर है, इसकी प्रैक्टिस जोन 6 तक हमने सॉल्व कर लिया है। 7 के आंसर्स हम आपको अगली बार भेज देंगे और आपका अगले क्लास में 7, ये 6, 5th चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। पहले आप यहाँ तक का काम करना सीखें, सब्ट्रैक्ट करना सीखो, प्रैक्टिस करो, टेक केयर।